स्कॉर्पियो वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग यूवर्सेस देम की। सो गाइस दिस इज कलेक्टिव रीडिंग, आपसे रेजोनेट होता है तो रखिएगा। ओके, मून साइन सन साइन से ये रीडिंग आप ले सकते हो। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा दूसरा भी चैनल है शिवांगी पाटिल नाम का। ओके, सो मैं उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में देने वाली हूँ पिन करके, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर मैं एनएलपी सेशंस लेती हूँ, वहाँ पर लेती हूँ इन द सेंस एनएलपी सेशन या एनएलपी से रिलेटेड कुछ क्ल्यू या समथिंग वहाँ पर टेक्निक्स मैं बताती हूँ, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। और मैं वन टू वन सेशंस पर लेती हूँ एनएलपी का। ओके, सो व्हाट इज़ एनएलपी भी वहाँ पर बताया मैंने, या आप खुद सर्च कर सकते हो गूगल पर। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सेम नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो। सबसे पहले आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो इस गिवन बताएं करंट सिचुएशन में कलेक्टिव में, थैंक यू सो मच वाह, सो ब्यूटीफुल एनर्जी स्कॉर्पियो। ओके, सो यहाँ पर ओके, सो स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि एस ऑफ कप्स, आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन के लिए और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रख रहे हो। ओके, भर भर के फीलिंग्स रख रहे हो आप ये पर्सन के लिए, आप चाहते हो कि ये पर्सन के साथ में कमिटमेंट हो जाए, कंप्लीट फैमिली हो जाए। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दोनों, सब फैमिली। ओके, एक स्टेबिलिटी, एक ग्राउंडेड रिलेशनशिप, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बट यहाँ पर यस, आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टफ फाइट करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को आंसर्स देने पड़ेंगे या कोई क्वेश्चन पूछेगा क्यों कैसे क्या, उसके लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा। ओके, और उसके लिए मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, इस तरह की एनर्जी है। वाह, इनर स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो आप स्कॉर्पियो ये रिलेशन के लिए, और डेफिनेटली आप ये रिलेशन चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है यार। ओके, सो आप चाहते हो कि यस ये पर्सन के पास में जाए और यस ये पर्सन को ये रिलेशन सक्सेस करे और हाथ में ले ले। ओके, इस तरह की एनर्जी आप बैकग्राउंड में रख रहे हो। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो ये पर्सन के लिए आप यहाँ पर ये इस तरह की एनर्जी आ रही है कि यस अप्रोच करेंगे, और ये पर्सन का जो भी लाइफ स्टाइल है या आपका खुद का भी यहाँ पर है कि आपका एक लाइफ स्टाइल हो सकता है, आप चाहते हो कि आपके लाइफ स्टाइल से जुड़े या रिलेटेड ये पर्सन का भी लाइफ स्टाइल हो, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, या ये पर्सन भी जैसे हो सकता है ना कि ये पर्सन भी अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहा है, इस तरह की एनर्जी आप रख रहे हो, यानी इम्प्रेस हो आप एक तरह से। ओके, ये पर्सन की तरफ कि ये इंडिपेंडेंट है, ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत मे बी स्टडी करने वाले होशियार है। ओके, सो देखा जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, सो आप रिकंसिलेशन चाहते हो कहीं ना कहीं। ओके, मे बी आप टैरो रीडिंग का सपोर्ट ले रहे हो, ऐसे हो सकता है। ओके, चाहिए होगा तो ज़रूर आइएगा। ओके, सो आप यहाँ पर क्योंकि आप अपने क्यूरीज, अपने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हो इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, यानी यहाँ पर है कि आपको क्लियरिटी और चाहिए कि रियल में ये पर्सन है क्या, ये पर्सन के लिए करे क्या, ये पर्सन से आगे कैसे करे। ओके, सो थोड़ी सी ना आप थोड़ा यानी मैच्योरिटी जो रहता है ना वो उस हिसाब से नहीं चल रहे हो आप, थोड़े से ना जैसे चाइल्ड नेचर जैसे आप थोड़े से डाउट क्रिएट कर रहे हो और खुद ही क्रिएट कर रहे हो और खुद ही उसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो, इस तरह भी स्कॉर्पियो आ रहा है। ओके, सो द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, है कि यस ये डोर अगर ओपन हो जाए तो, और ये रियल में मेरे जीवन में ये सही पर्सन आ जाए, मेरे ट्रू सोलमेट आ जाए, तो यस डेफिनेटली मैं बहुत खुश रहूँगा, इससे ज़्यादा और क्या खुशी। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी यहाँ पर, स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पर, है टेन ऑफ कप्स। आप चाहते हो कि ये रिलेशन ग्रोथ करे कंप्लीट, अगेन यहाँ पर टेन ऑफ कप्स, यानी टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, टेन टेन की एनर्जी लेकर बैठे हो। ओ वाह, सो यहाँ पर है कि इस तरह की एनर्जी है कि आप ये रिलेशन ग्रोथ करना चाहते हो, यहाँ पर फीलिंग्स भी डालना चाहते हो, ऐसा नहीं कि बस फाइनेंस 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 या करियर करियर करियर, नहीं, आप यहाँ पर ये रिलेशन अभी प्यार से बिल्डअप करना चाहते हो, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। ग्रेट, सो
स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी ब्यूटीफुल है आपके पार्टनर के लिए। सो यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जी आपके लिए क्या है करंट सिचुएशन में। थैंक यू सो मच आपके पार्टनर की कलेक्टिव में। जस्टिस ओके, ये पर्सन तो जस्टिस करना चाहता है, ये पर्सन चाहता है कि न्याय हो जाए ओके, यानी ये रिलेशन चाहते हैं ओके, बट ये पर्सन स्टक है, ये पर्सन स्टक है, ये पर्सन सोच रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ हो जाए कि ये आपसे आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपके इनके फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं जो कि शेयर नहीं कर पा रहे हैं ओके। स्टक बॉडी जैसे हो गया है कि नहीं अब कैसे करना, शेयर करना नहीं ओके, या एक मैच्योरिटी में आ गए या बहुत ज़्यादा ओके, इस तरह की एनर्जी आ रही है और इनको यहाँ पर लग रहा है कि सच क्या है झूठ क्या है जो भी है वो सब क्लियर हो जाए ओके। सो ये मींस रिलेशनशिप की सच्चाई और पाना चाहते हैं ओके, और उसके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में सोच रहे हैं। इन्होंने जैसे फीलिंग साइड में रखी है और पहले ये बहुत ज़्यादा ऐसे थिंकिंग कर रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली एनर्जी आ रही है इस पर्सन की स्कॉर्पियो। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन क्लियरिटी चाह रहे हैं। अब ये पर्सन एक्चुअल में तो किसी के बात नहीं सुनना चाह रहा है, अपनी क्रिएटिविटी या अपने ये रिलेशन जो भी है ये खुद बिल्डअप करना चाहता है अपने दम पर, बट ये है कि ये पर्सन को और क्लियरिटी चाहिए। अगर ये पर्सन को क्लियरिटी मिलते हैं तो ये पर्सन यहाँ पर ये रिलेशन लेगा, बट इनको है ना कोई बीच बीच में आकर कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है तो ये थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा है कि एक्चुअल में क्या है कि नहीं ये रिलेशनशिप ओके। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी सिचुएशन में चल रहा है देखा जाए तो। स्कॉर्पियो या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी ये पर्सन भी जैसे आपकी सिचुएशन है कि यस मुझे किसको किस तरह से आंसर देने को किस तरह से बोलना पड़ेगा या किस तरह से ये रिलेशन, सो ये पर्सन एक एक डिसीजन लेकर बैठा है कि यस वो रेडी है आपसे रिलेशनशिप लेने के लिए, बट इनको ना क्लियर क्लियरिटी चाहिए, परफेक्ट परफेक्ट यस और नो, आप आते हो या रियली आप आपका प्यार हमें दिखाते हो या आप आगे रिलेशनशिप चलाते हो मैरिज करना चाहते हो क्या है, आप सीधा सीधा बोल दो। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गया है, एंजाइटी में गया है ये पर्सन ओके, सोच सोच कर इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए लविंग एंड केयरिंग एनर्जी रखे या क्या करें ओके, क्योंकि यहाँ पर आप जो सोच रहे हो स्कॉर्पियो ये आपके तरफ है, शायद आपने इस पर्सन को अभी तक शेयर नहीं किया होगा ओके, इस तरह की एनर्जी हो सकती है ओके। सो ये पर्सन बहुत टफ फाइट कर रहा है अपने हर सिचुएशन से इमोशनली ओके, ये पर्सन जजमेंट चाहता है, वाह ग्रेट ग्रेट, ये पर्सन आपको सोलमेट मानता है ओके, ये पर्सन आपको परफेक्ट सोलमेट मानता है, बस दैट्स इट, ये क्लियर है कि ये पर्सन चाहता है कि यस मुझे यहाँ पर ये आपका जो भी है कि यस ये सोलमेट है ओके, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ या रेडी है ओके। सो यहाँ पर ये पर्सन अपने जीवन में एक रिस्क लेने के लिए रेडी है, बट आप हो क्या ओके, आप हो क्या वो मिरेकल होगा क्या जो डिवाइन से वो मांग रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि ऐसा कुछ मिरेकल हो सकता है कि ये पर्सन का सच्चाई सामने आ जाए या ये पर्सन क्या है रियल क्या जानता है, कि हम तो बोल नहीं सकते क्योंकि हम एक मैच्योरिटी या हम एक दायरे में या एक लिमिटेशन ये पर्सन ने अपने तरफ लगा कर रखी है ओके। बाकी ये किसी का सुनना नहीं चाहते, ये सुनना चाहते बस आपका कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप कब आओगे, आपका वेटिंग क्या है, आप कब इस रिलेशन को कितना टाइम में कंप्लीट करोगे या ये रिलेशन किस तरह से ग्रोथ करना चाहते हो, फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो या आगे कुछ करना चाहते हो, आपके तरफ से इनको चाहिए, ये पर्सन आपको सोलमेट मानता है या ट्विन फ्लेम जर्नी या आपका प्योर सोलमेट, ये पर्सन बस परफेक्ट कि हम दोनों एक सेम लेवल पर हैं, बस उन्होंने आपको कभी ना कभी
कभी ना कभी शायद ये पर्सन ने भी आपको मैसेजेस या कभी ना कभी कुछ कहा होगा, बट अब आपका टर्न हो सकता है स्कॉर्पियो, नाउ आपका टर्न। सो ये पर्सन वो जजमेंट चाहता है, ये खुशी से आना चाहता है, रेडी है ये पर्सन, ओके ये अपने आप को बदलने के लिए या अपने जीवन को आपके तरफ लाने के लिए रेडी है। सो बस आपका वेट है, ये एनर्जी यहाँ पर है, ओके क्योंकि ये पर्सन वो दर्द अभी नहीं सह पा रहा है देखा जाए तो, क्योंकि ऑलरेडी ये इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट आकर चले गए होंगे और अब ये कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है आपके लाइफ में। लेना चाहता है तो तभी लेना चाहता है जब आप यहाँ पर क्लियर बताओगे, ओके इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन अपनी एनर्जी नहीं डाल रहे हैं, इमोशनली एकदम से अटैच नहीं होना चाह रहे क्योंकि इनको ये ना हो जाए कि फिर से वो दर्द में चले जाए। सो बेटर वे है कि आप अगर सीधा सीधा कह दो तो ये पर्सन उस पर सोच समझ कर आपको डिसीजन दे देगा। प्यार तो है ये पर्सन का, प्यार तो है, ऐसा नहीं है, सोच बहुत रहा है, एंजाइटी में जो पर्सन है तो उसका प्यार क्यों नहीं रहेगा। सो डेफिनेटली प्यार तो है, एक लेवल पर है, ओके बेस्ट लेवल पर है। सो देखते हैं यहाँ पर डिवाइन क्या कह रहे हैं, डिवाइन क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं स्कॉर्पियो आपको। थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ पेंटिकल, डिवाइन यहाँ पर स्कॉर्पियो आपको बोल रहे हैं कि इनके साथ में कम्युनिकेशन करना चाहिए आपको, ओके कोई तो भी बीच में हो सकता है या मीडिया ऐसा कुछ तो भी, या रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रखो, ओके बहुत ज़्यादा सोचो मत। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो भी है लविंग और केयरिंग एनर्जी फ्लो करो, अपनी बातें करो, कम्युनिकेशन करो, यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा सोचो मत, स्टेबिलिटी कब आएगी, क्या आएगी, किस तरह होगा, क्या होगा, पहले बात तो करना शुरू करो। एक दूसरे को हर्ट किए जा रहे हो या एक दूसरे के लिए एक पेनफुल वाली एनर्जी रख रहे हो तो इसको तो स्टॉप करो पहले। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है स्कॉर्पियो डिवाइन की तरफ से, और एक मैसेज आपके लिए स्कॉर्पियो में, या अगेन में यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके सो स्टेबिलिटी को या टॉक्सिक एनर्जी को निकालो, बार बार वही करियर ग्रोथ स्टेबिलिटी उस थर्ड पार्टी उस डेविल उस टॉक्सिक उस निगेटिव एनर्जी को निकाल दो, कोई भी आप दोनों के बीच में नहीं चाहिए। क्लियर कट है कि बस आपको अगर ये ब्राइट करना है सिचुएशन, अगर आपको ये रिलेशन आपको बहुत अच्छा बनाना है तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपको पहले कम्युनिकेशन तो स्टार्ट कीजिए। ये पर्सन को तो एंजाइटी से निकालिए, अगर आप यहाँ पर ट्रू लव रख रहे हो, यहाँ पर कमिटमेंट सब कुछ सोच रहे हो और कर कुछ भी नहीं रहे हो तो ये पर्सन को तो बताओ। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा मैच्योर हो सकता है, या ये पर्सन आपके आपके इमोशंस या आपके फीलिंग्स का रिस्पेक्ट भी करेगा क्योंकि ये सेम लेवल पर जाता है, क्योंकि ये पर्सन आपको सेम लेवल पर देखता है कि इनको लगता है कि हम यहाँ पर मैच्योर है या हम इस रिलेशनशिप को जेन्युइनली चाहते हैं तो ये भी पर्सन उतना ही चाहेगा। सो ये जितना केयर मेरी करेगा तो उतना केयर हम भी करेंगे, तो ये एनर्जी ये पर्सन की है। सो आप डोंट वरी, सो आप डेविल या थर्ड पार्टी सिचुएशन को पहले निकाल दीजिए, आपका वर्क होगा या जो भी होगा ओके वो साइड में रखिए, रिलेशनशिप लीजिए, टाइम चला जाएगा तो फिर बाद में कुछ ना मिले, ओके बाकी आपके हाथ में। सो गाइज मैं यहाँ पर अगेन एक कार्ड लेती हूँ डिवाइन की तरफ से स्कॉर्पियो आपके लिए। थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो, आ गया कार्ड या इनोसेंस, ओके ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंस है देखा जाए तो, ओके आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका इनोसेंस जो भी है, जो भी है, आपकी खुशी है जो आप चाहते थे, इस खुशी को पहले लीजिए, ओके इस खुशी के लिए आगे आगे बढ़िए। और आप दूर से जो सोच रहे कि ये हाँ पॉसिबल हो सकता है ओके या नहीं हो सकता है, आप दूर से मत सजेस्ट कीजिए या दूर से उसको फिक्स मत कीजिए, पास जाइए, रिलेशन कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे एक्सचेंज कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए तो ये रिलेशनशिप बन जाएगा, ओके सो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओके पास्ट लाइफ का जो भी होगा पास्ट वो छोड़ दीजिए एंड वाह सो ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए अपने लाइफ में, ओके वो चेंजेस लाइए, ओके सो ये रिलेशन तभी ग्रोथ करेगा, ओके सो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहा है, सो उसे एक्सेप्ट कीजिए पॉजिटिव एनर्जी को और अपने आप को चेंज कीजिए और रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कीजिए, ओके सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, जिनके साथ रेजोनेट होती है उन्होंने जरूर रखना है,
लाइक जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।